मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि आप लोग, सबसे पहली बात तो अगर मैं कुछ कहूँगा तो उसको कट कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। जो है मैं चाहता हूँ अगर आप सारा लिखेंगे या दिखाएंगे तभी मैं उसका बोलने का कोई फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। जो है पूरा दिखाएंगे तो बोलेंगे, नहीं तो क्या फायदा। इट्स ऑफ नो यूज, आप उसी चीज को निकाल के वो कर देंगे। सो आई जस्ट वॉन्ट यू जस्ट गिव द राइट इन्फॉर्मेशन टू दिस कंट्री। और अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि क्या क्या है वो वीडियो में बताइए, क्या क्या क्वेश्चन है आपका। देखिए अच्छा ये होता कि आप लोग पहले वहां जाके उसकी तहकीकात करके आते। व्यापारी सिर्फ दुकान वाला नहीं है, देखिए व्यापारी सिर्फ दुकान वाला नहीं है, ये गरीब भी व्यापारी होता है, ठेली वाला भी व्यापारी होता है, और उन्हीं लोगों के बीच में लड़ाई है। ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह लोग इसको जो है, आप लोग, मैं जहां तक समझ सकता हूँ आप लोग उसके दूसरे मीनिंग में ले रहे हैं, इसलिए जो है इस चीज को इतना बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग पहले एक बार वहां जाके अपनी सच्चाई तो देख लीजिए। वहां पे अगर खालिद ठेली वाला है तो वहां जो है शिवा जो है चाट वाला भी है। और आज उन लोगों के साथ ये हो रहा है कि कैराना में जब उसका अल्टरनेट बना हुआ है, जब वहां पर बाईपास बना हुआ है, तो बाजार में मैं आप लोगों से पूछता हूं, बाजार में भीड़ नहीं होती क्या? बाजार में भीड़ होती है। और जब उसका अल्टरनेट बाईपास बना हुआ है, फिर वहां उन लोगों को जो कई कई सालों से वहां पे काम करते आ रहे हैं, हाँ ये बात जरूर है कि आज आप लोग जो मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, आप अमीर व्यापारियों की वजह से कर रहे हैं, लेकिन गरीब व्यापारी को कोई सुनना नहीं चाहता। आप लोगों से तो मेरा यही निवेदन है कि आप पहले वहां जाके एक बार सच्चाई तो जान लीजिए। उन लोगों के घर उजाड़ दिए 25-30 साल पहले। आप अगर वहां की हिस्ट्री भी देखेंगे तो सभी पार्टी के नेताओं ने वहां बैठ के उन गरीब लोगों को वहां पे जो है बसाया था। आज पता नहीं कितने हिंदुस्तान में जो है वो अनऑथोराइज कॉलोनीज हैं। क्या हम और आप जो है उनको तोड़ने का काम करते हैं? सरकार जो है वो आदमी के भविष्य का और उसकी बेहतराई के लिए काम करती है, ना कि उसको तबाह करने के लिए या उसको उजाड़ने के लिए। मेरी लड़ाई भी यही है। अब मैं उसमें ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि भाई जो काम पहले नहीं हो पाया वो जो है किसी न किसी भावना से आज वहां गरीब लोग जो है वो अपने घरों से भी उजाड़ दिए, और उनके जो है ये मजबूर करा जा रहा है कि चार दीवारी में ठेली लगाई जाए। तो आप खुद सोच सकते हैं, आप लोग भी शायद मेरी तरह जो है आप पिछड़ा से आते होंगे, गांव से, देहात से। हम सब जानते हैं कि एक ठेली वाला जो है बेचारा, जब तक वो अपनी चीजों का प्रदर्शन नहीं करेगा या वो लोगों को वहां के कन्वीनियंट नहीं होगा तो उससे कौन खरीदेगा? जो है चार दीवारी में कौन खरीद लेगा? ये लड़ाई है। अब आपने इसको डीपली तो मेरे ख्याल से समझा नहीं होगा। जो है आप लोग मेरे पास आ गए, सिर्फ व्यापारी है, सुनिए एक मिनट, एक गरीब व्यापारी है और एक अमीर व्यापारी है। अमीर व्यापारी बीजेपी उनकी साथ है, गरीब व्यापारी के साथ नहीं है। हम लोग आवाज बन के इसलिए खड़े हुए क्योंकि हम लोग उन लोगों को भी वही बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं। अब जिन दुकानों के आगे ये ठेली वाले खड़े थे वो लोग अलग अलग सामान बेचते हैं, तो आप लोग, क्योंकि उन्हीं के दबाव में जो है उन लोगों को वहां से हटाया गया। आप सच्चाई वहां देखेंगे आपको पता चलेगा कितने लोग जो है वहां सड़कों पे आ गए। उनके घरों में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, कुछ टाइम दीजिए उनको, या एकदम से ही ढाई घंटे में आप सब कुछ उठा के फेंक देंगे। 25-30 साल से रह रहे हैं वो लोग, उनका केस चल रहा है, वो लोग लड़ रहे हैं। तो इस तरीके के जो बार्बरिज्म जो हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं कैराना एक लैब की तरह इस्तेमाल किया गया हर चुनाव में, और जबकि हकीकत ये नहीं है। अगर हकीकत होती तो 60-40 की हम लोग रेशियो से, मैं वहां से दूसरी बार विधायक बन के आया हूं, अगर ऐसा हकीकत में होता तो जनता वहां जवाब देती। लेकिन इस चीज को सिर्फ मैनिपुलेट किया हुआ है। और मेरी आप लोगों से भी यही इच्छा है, आप सभी से ये कहना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग गरीब के साथ हैं या अमीर व्यापारी के साथ हैं? मैंने बीजेपी बोला है भैया, मैंने बीजेपी के व्यापारी बोले हैं, उसमें हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। शाहनवाज जो है और मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी से नहीं है, क्योंकि ये अभी सरकार बीजेपी की चल रही है,
और बीजेपी के ही वो लोग जो है कुछ नेता हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं वहाँ, जो दुकानदार भी हैं। लेकिन और जो जनता है जिसके आपके इस बयान की वजह से जो और जनता इसमें परेशान होगी, देखिए मैंने सुनिए एक मिनट, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया है, मैंने सजेशन लिया है उसका हल निकालने के लिए। मैंने जब हमारे हम लोगों की आवाज नहीं सुनी जाएगी, आप लोग यहाँ तो आगे मुझे घेर रहे हैं, लेकिन एक आदमी ने भी वहाँ जाके देखा कि सच्चाई क्या है? आपने वहाँ जाके देखा सच्चाई क्या है? किसने किसने भिड़ा दिया? हिंदू और मुस्लिम नहीं किया, बीजेपी का है। आप वीडियो देखिए उसे ढंग से जो है, और वो अमीर व्यापारी और गरीब, मैं इसलिए बोला अगर खालिद सब्जी वाला है तो वहाँ जो है शिवा जो है वो क्या नाम लेते हैं चाट वाला भी है। ऐसा नहीं है कि जो है कोई हिंदू मुस्लिम का मामला है, लेकिन इसको हमारे विरोधी ऐसा करा रहे हैं, वहाँ अधिकारी ऐसे हैं। अब हमारे यहाँ एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर में जो है जो लोग जिनके केस दर्ज है वहां पे उसी का सगा भाई वहां एसडीएम बना बैठा है, अब वो अपने भाई को बचा रहे हैं। वहां काफी लोग उसने हॉस्टाइल कर रखे हैं, वो लोग शिकायत नहीं लगाना चाहते। 6 एनकाउंटर हुए हैं जिसमें से 2 की मानव अधिकार में और हाई कोर्ट में वो चल रही है। अब आप एक बताइए, जब कोई एसपी का सगा भाई जो एनकाउंटर में इन्वॉल्व है उसका सगा भाई वहां पे एसडीएम बन के आएगा, तो मुकदमे मैंने उन लोगों के जो है उनकी मदद करी, तो वो जो है मेरे लिए ये सब जो है ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे वो जो एसडीएम है वो ये चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से हम लोग बदनाम हो जो है, तो ये नहीं है और कुछ भी। और देखिए अगर वहां ऐसे ही हालात रहे तो जो मैंने कहा है मैंने राय दी है, मैंने किसी को आदेश नहीं दिया है, और हर आदमी को अपना राइट है अपनी बात कहने का। और अच्छा मुझे ये लगता कि आप लोग पहले उन गरीबों की एक बार बात जाके सुन लो, क्योंकि उनके घर बर्बाद हुए हैं, उनका रोजगार छीना है, ना कि उन लोगों का जिनके आप आवाज बन के आए हैं। इस चीज से भी ये बार बार मैं इसीलिए ये कह रहा हूं क्यों? अरे आप एक अमीर व्यापारी के लिए तो इतना बड़ा इशू बना दिया, तो आप बिना एक मिनट आप वहां जाते, सुनिए एक मिनट, आप वहां जाते और वहां देखते कि क्या हालात है ना वहां पे, हाँ तो फिर वीडियो देखिए। अरे साहब आप क्योंकि हम जब घर उतरा जब तो कोई नहीं आया आपके बीच, जब उन हाँ तो फिर वीडियो देखिए। अरे साहब आप क्योंकि हम जब घर उतरा जब तो कोई नहीं आया आपके बीच, जब उन लोगों का व्यापार छीन लिया जब तो कोई नहीं आया। अब मेरा ये एक अगर मैंने यही कह दिया कि हमारे अमीर व्यापारी चंद प्रशासन जो है जो उनके नाम से, मैं ये चाहता हूँ देखो कि जो गरीब आदमी है वो भी अपने उसी जगह पे वो करता रहे। देखो बाजार में हमेशा भीड़ होती है, आप लोग गांव कस्बे के हैं, बहुत सारी जगह अतिक्रमण के ऑर्डर होते हैं, लेकिन वो उसमें कोई वो नहीं होता क्योंकि सरकारें जो है वो आदमी के अच्छे अच्छे उसके लिए है, न कि उनको उजाड़ने के लिए। कई सारे हमारे पास इश्यू है या हम और आप जो है अनऑथोराइज कॉलोनी को जो है अनऑथोराइज कॉलोनी का हमारा आप जाके तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे जो है, तो थोड़ा उनको टाइम। हल यही है कि उसमें जो है जो पहले से चलता आ रहा था जो वहां व्यापारी संघ है और जो और लोग हैं जिनको दिक्कत हो रही है उनमें आपस में बैठ के बात करानी चाहिए थी, ये नहीं कि सीधा डायरेक्ट जो एक्शन ले लिया आपने, लोगों के घर तोड़ दिए। देखिए यहाँ इतना बड़ा इशू बनाना कोई नहीं चाहता, ठीक है, कोई नहीं चाहता जो है। और अच्छा बेहतर ये रहेगा कि आप लोग वहां जाके एक बार देखें तब बात करें जो है। अरे दिखती है यार बीजेपी।